क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट में वन अपॉन रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना है, तो वन अपॉन रूट टू को कॉन्ट्राडिक्ट्री मेथड से रैशनल मान लेते हैं। अगर ये नंबर रैशनल है तो सेम उसी तरह वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा। अगर रैशनल तो ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। और जहाँ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी इंटीजर, ये हमने मान लिया। अब वन अपॉन रूट टू का रेसिप्रोकल रूट टू और ए अपॉन बी का रेसिप्रोकल बी अपॉन ए। रेसिप्रोकल यानी जस्ट उसका अपोजिट, व्युत्क्रम बोलते हैं जिसे। बी अपॉन ए एक रैशनल नंबर है, एज ए, क्योंकि ए एंड बी जो है इंटीजर है, इसलिए बी अपान एक रैशनल नंबर होगा। यानी कोई भी इंटीजर को अपान, जैसे मान लीजिए टू एक इंटीजर है, टू अपान थ्री तो रैशनल है, और थ्री अपान टू भी एक रैशनल होगा। यानी किसी नंबर रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल एक रैशनल नंबर ही होता है, और किसी इरैशनल नंबर का रेसिप्रोकल इरैशनल नंबर होता है। ए अपान बी आर इंटीजर्स। ए और बी इंटीजर है, इसलिए बी अपॉन ए क्या होगा, रैशनल होगा। रूट टू इज रैशनल विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, इसको बताता हूँ मैं क्यों लिख रहा हूँ, टू फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल। जिस तरह रूट फाइव को हम लोग इरेशनल प्रूफ किए थे, उसी तरह रूट टू भी एक इरेशनल नंबर है। तो जो रूट टू है वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि रूट टू रैशनल नहीं इरेशनल होगा। और किसी भी इरेशनल नंबर का रेसिप्रोकल, जैसे रूट टू का रेसिप्रोकल है वन अपॉन रूट टू, अगर रैशनल इरेशनल नंबर का रेसिप्रोकल एक इरेशनल नंबर ही होता है, तो वन अपॉन रूट टू भी एक इरेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे हेंस आवर एंजम्पशन इज फॉल्स एंड वन अपॉन रूट टू इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये प्रूव हो गया कि ये इरेशनल नंबर है। तो होपफुली आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।